कि जो भी पुलिस ऑफिसर आता है वो हाई कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, यही रिक्वेस्ट करता है कि हम चैम्बर में मिलना चाहते हैं। तो अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर इंसान सच्चा हो तो फिर ओपन कोर्ट में बात होती है। ये मैं दूसरी बार आपके चैनल के ज़रिए क्लियर कर दूं बात कि मैं जो है मोहम्मदी साहब से मैंने एक रुपया भी चार्ज नहीं किया, और हमारी जो उनके लिए खिदमात हैं वो मेरे साथ उनका एक फैमिली रिलेशन और भाइयों की तरह है। लेकिन अभी छक्का लगा नहीं है, ठीक है, ये छोटी छोटी छक्कियाँ मारते हैं तो, लेकिन अभी छक्का जो है लगेगा इन फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट पुशा शकील। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सिंध सिटी कोर्ट में दुआ ज़ारा के केस की हेयरिंग थी और डेढ़ घंटा ये हेयरिंग चलती रही है। हमारे साथ फयाज़ रामे साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज कोर्ट रूम के अंदर जजेस इतने बरहम क्यों थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रामे साहब ये बताइए कि आज कोर्ट रूम का माहौल हमने बड़ा एक मुख्तलिफ देखा है। हमारे वहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि आज तो जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले थे उनकी सबकी लाइन लगवा दी गई थी, और काफ़ी जो थे हमारे जो मौजज जसावान हैं उन्होंने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है उन पुलिस वालों पे जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है या जो मिसल वहाँ पे दी है उस हवाले से। जी इसमें ऐसा ही है कि कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर आपने चलान रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। तो इसमें सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने यही कहा था कि बच्ची जो है उसको सेट एट लिबर्टी हम करते हैं, और ये जो चलान है पुलिस का 173 के तहत इसको अदालत में सबमिट किया जाए। लेकिन इन्होंने उसको 169 के तहत एक सी क्लास चलान बना के जो है वो सबमिट किया ही नहीं, बल्कि इन्होंने कहा जी कि हमने FIR जो है वो कैंसिल कर दी है और हमारे मुताबिक ये जो है मुल्ज़मान ये बेगुनाह है, और तमाम बंदों को जो है वो रिलीज़ कर दिया और बच्ची को भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया, और ट्रायल कोर्ट से परमिशन लिए बगैर ही बच्ची जो है उसको जो है वो सिंध की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकाल दिए और ज़हीर के साथ भेज दिया। तो इस तरह से ट्रायल कोर्ट को तो इन्होंने किसी खाते में नहीं लाया और फारग कर दिया। इनका यही जेन था कि हम ये बस अपनी मर्ज़ी से बाहर बाहर ही लड़की बस सिंध में दिखा दिखो के, और बहुत जल्दबाजी में इन्होंने सारा प्रोसीजर किया, और साथ ही आपने देखा क्या जी सिंध का स्टेटमेंट भी आ गया कि मामला ख़त्म हो गया, जबकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई कि बच्ची यहाँ से कैसे पहुँची, ज़हीर का कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा गया। उसके अलावा ये जो हमारे भाई उधर मौजूद हैं जिमरान नासर साहब, पुलिस फाइल उनके साथ शेयर नहीं की गई। तो इन्होंने कैंसलेशन रिपोर्ट जब उधर सबमिट की तो इन्होंने सबमिट करनी थी तो उसमें वकालतनामा दिया जिमरान साहब ने लास्ट डेट में, तो आज इन्होंने रिपोर्ट पेश करनी थी जो इन्होंने रिपोर्ट नहीं पेश की, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो पेश नहीं हुआ। तो फिर इस पर अदालत ने 15 मिनट का इनको टाइम दिया है, तो इसमें जो DSP शौकत साहब थे वो पेश हुए, तो उन्होंने रिपोर्ट जो है वो फिर भी पेश नहीं की, और जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे चैम्बर में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये किसने रिक्वेस्ट की? ये एक DSP शौकत साहब थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो अच्छा माजत कतकलामी कर रही हूँ, ये मुझे पहले भी पता चला था कि पहले भी हाईकोर्ट के अंदर भी जो है वो जज साहब को कहा गया था कि मुझे आपके चैम्बर में मिलना है, तो ये इसकी क्या वजह है? मैडम इसकी वजह यही है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो भी पुलिस ऑफिसर आता है वो हाई कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो यही रिक्वेस्ट करता है कि हम चैम्बर में मिलना चाहते हैं। तो अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर इंसान सच्चा हो तो फिर ओपन कोर्ट में बात होती है, जो भी चैम्बर में मिल के ऐसा कौन सा केस सॉल्व करना होता है, बेसिकली चैम्बर में मिल के जज साहब के मिनतरला ही करना होता है, जाके और मिनतें मुनते ही करनी होती हैं कि जो सच है उसको रहने दें और हमने पैसे पूसे उठा लिए हैं हमें कोई फेवर दें। तो बेसिकली अगर आप मेरिट में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको किसी का डर नहीं होता, चाहे कोई जज हो का सच्चा झूठा हो, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन ओपन कोर्ट में सामने रखनी होती है। और इसी तरह से अब बात जो थी वो जिमरान साहब एक माशाल्लाह पढ़े लिखे वकील हैं मेरी तरह, तो अब मामला उनके हाथ में आ गया जैसे पहले मेरे हाथ में था इधर लाहौर में, तो कराची में भी अब एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ा लिखा वकील उनको मिल गया जो ईमानदार भी है। तो अब ये पुलिस फाइल अपनी उनके साथ जो है वो शेयर करने से डर रहे थे, तो आज इमरान साहब ने जब कोर्ट में अपीयर होकर कहा कि जब तक मुझे पुलिस फाइल नहीं मिलेगी तो मैं आर्गूमेंट कैसे करूँगा, तो इस पर फिर इनकी जो इंसल्ट हुई है वो तो उधर जो पब्लिक थी उन्होंने देखा है, और अदालत ने पूछा कि ये जो 15 मुल्ज़मान आपने छोड़े हैं ये किस हैसियत में छोड़े हैं, और अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को दोबारा तलब की है और जुमे रात को इनको दोबारा जो है ना वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने की हिदायत की है।
अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो हमारे जिब्रान साहब हैं, जो वकील हैं अब दुआ ज़ारा केस के, इन्होंने वहाँ पे सबकी लाइन लगा दी और सबकी बोलती बंद कर दी थी वहाँ पे। जी, मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहले कहा था कि जब ये मेरे पास मामला आया तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था कि मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास, तो उस बात के ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी। बेसिकली वकील सारे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वकील वही पढ़ा लिखा होता है जो हक और सच में फ़र्क जानता हो, हक और बातिल में फ़र्क जानता हो और उसकी पहचान रखता हो और ईमानदार हो और शरीफ शहरी हो। ठीक है, तो वकालत ये नहीं है कि आप मेरे वकील हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिल के पैसे ले लें, ये वकालत नहीं। वकालत जो है वो पैगंबरों का शिवर है और अल्लाह ताला की एक सिफात में से एक नाम है अल वकील। तो वकील जो होता है वो माशरे की बेहतरी के लिए लड़ता है। तो हमने तो मेहदी साहब से जो है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इस वकील की लाखों रुपए में फ़ीस है और ये अपनी फ़ीस खरी कर रहा है, तो आज ये मैं दूसरी बार आपके चैनल के ज़रिए क्लियर कर दूं बात कि मैं जो है मेहदी साहब से मैंने एक रुपया भी चार्ज नहीं किया और हमारी जो उनके लिए खिदमात हैं वो मेरे साथ उनका एक फैमिली रिलेशन और भाइयों की तरह है। और हालांकि ऐसी बात नहीं कि उन्होंने मुझे ऑफ़र नहीं करवाई पे, लेकिन मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी कि एक बेपी का बाप जो है वो पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए अगर स्ट्रगल कर रहा है तो हम उसको चार्ज करें। तो इसमें जो अली बदर साहब हमारे सीनियर थे, उनकी भी मुझे यही डायरेक्शन थी कि इस केस में आपने एक रुपया भी नहीं लेना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का कोई गर्ज नहीं है। हम जो डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह पैसों के ऊपर नहीं बयान दे रहे, हम अकर सच के लिए और दिल की आवाज़ पे लगे हुए हैं। तो इसी तरह से जिब्रान नासर साहब जो हैं वो भी प्रो बोनो, उन्होंने स्टेटस अपना लगाया हुआ था, प्रो बोनो से मुराद फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। तो पैसों से सच नहीं निकलता होता, हक और सच जो होता है वो दिल की आवाज़ होती है और उन्होंने आज दिल से केस फाइट किया वहाँ पर, और आपने देखा कि इनकी लाइन लग गई जैसा आपने बताया सब की, और ये यही समझे कि हम छक्का मार के निकल जाएंगे, हमने बस छक्का मार लिया तो हम निकल गए, लेकिन अभी छक्का लगा नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी छक्कियाँ मारते हैं तो, लेकिन अभी छक्का जो है लगेगा इन फ्यूचर। ठीक, अच्छा अब आप ये बताइए, हमारे देखने वालों का बहुत इसमें है कि ये केस अब क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। देखें, मैंने एक चीज़ बड़ी इसमें देखी है कि अभी तक अदालत का कोई परमानेंट फैसला नहीं आया, फाइनल जजमेंट किसी कोर्ट की नहीं आई, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने जो है वो मेहदी साहब का मीडिया ट्रायल कर दिया कि ये झूठा है, ये है वो है, और कुछ इंटरव्यू आए और एक मेयर इंटरव्यू जो किसी के सामने ही नहीं हुआ और एक बंद कमरे में हुआ और पता नहीं कैसे हुआ, उस इंटरव्यू की बेस पर ये मफरूज़ा कायम कर लिया कि वो बच्ची ठीक नहीं है। तो ये एक बड़ा बैड इम्पेक्ट है। बेसिकली ये किसी एक फ़र्द का मामला नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों का मामला है। तो अगर इसमें मेहदी काज़मी की अगर हार होती है या मेहदी काज़मी अगर बैठ जाता है तो ये फिर सब बच्चियों के लिए मसला है, और हमें तो उस शख्स को सलाम पेश करना चाहिए कि जो अपनी बेटी के लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, बल्कि सब बेटियों के लिए एफर्ट कर रहा है, और उसका साथ देना चाहिए, ना कि ये छोटी मोटी बातों का बहाना बना के कि ये इंटरव्यू, बेसिकली ये तो वो प्लांटेड इंटरव्यू हैं और वो चाहते ही ये हैं कि हक और सच का साथ कोई ना दे, और लोगों की साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है कि कौन इंसान कितना शऊर रखता है। जो कम शऊर आदमी होगा वो यही समझेगा कि बच्ची जनाब जब खुद ही जा रही है तो फिर हम क्या करें। तो इस वक्त में भी हम मेहदी साहब के साथ हैं, चाहे जितनी भी तनकीद हो, क्योंकि हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और हम टोक बजा के कह रहे हैं कि हम प्रो बोनो हैं, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया और ना ही कोई फ्यूचर में फ्याज़ रामे के बारे में ये बात समझ साबित कर सकेगा कि उसने कोई पैसा लिया है, अगर पैसे लिए होते तो फिर हम ट्रेन पे ना जाते। खैर, मुझे यहाँ पे बैठ के कोई ऐसी बात सफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम भी मेहदी भाई की तरह जिस तरह वो चाह रहे हैं हम भी ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बच्चियों का मामला है। अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची का स्टेटमेंट लिखा ही नहीं जाता पाकिस्तान पिनल कोड के तहत और उसको 16 को 17 साल एक डॉक्टर के मेडिकल पर किया और जो सस्पेंड है, तो फिर मैं इस सिस्टम पे मातम ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि कुछ लोग हैं जो वो ये समझ रहे थे कि केस ख़त्म हो गया और खुशियाँ मनाई जा रही थी बहुत ज़्यादा कि केस ख़त्म हो गया, अब दुआ ज़ारा जो है वो अपने शोहर के साथ, सो कॉल्ड जो उसका हस्बैंड है उसके साथ अब वो कहीं पर भी जा सकती है, हंसी खुशी रह सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखें जी, इस केस ने कई टर्न लिए हैं। पहली बात तो ये, जब 164 का स्टेटमेंट लाहौर हुआ तब भी कहा गया ये केस ख़त्म हो गया, फिर लाहौर की अदालतों ने असगर और उसका कारी का रिमांड अलाउ किया, परमिशन लेकर दी, तब कहा गया जी ये केस ज़िंदा हो गया।
फिर जब हमने रिट फाइल की, हमें कहा गया जी कि ये फयाज रामे साहब उधर से बिरयानी खा के आ जाएंगे, पर्ची कभी पेश नहीं होगी। पहले तो इस पर बड़ी लंबी तकरीर बहस थी, और आई जी सिंध जो पहले जो तब्दील हुए थे वो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही हुआ था, क्योंकि वो बच्ची को रिकवर करने में विलिंग नहीं थे। वो यही कहते थे कि जी के पी के का केस है, आप उधर भेज दें। और जजेज ने सही उनके बारे में ऑब्जर्वेशन रखते हुए एक सही फैसला किया था कि कोर्ट को वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हमने एक आईजी को भी आपने देखा तब्दील करवाया, उनका जो करदार था उनके सामने आया। फिर ये सिंध पुलिस का रवैया तो पहले दिन से ही ऐसा रहा है, और सिंध गवर्नमेंट का और एडवोकेट जनरल का रवैया तो आपने देखा है, वो गवर्नमेंट का मुलाजम होता है लेकिन वो हमारे खिलाफ ही बोलता रहे। लेकिन ऐसा क्या है कि पुलिस की जो कारकर्दगी है इस पूरे केस में शुरू से लेके एंड तक इतनी नाकिस क्यों रही है? देखें, पुलिस तो मैं वही बात कर रहा था कि एट दी डे वन से विलिंग ही नहीं है इसको अरेस्ट करने में, फिर इन्होंने किया ही किया है। तो अब किसी कोर्ट का अदालत ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में पेश हों, और आईजी सिंह जो हैं वो अपने आप को बादशाह पूरे पाकिस्तान का समझ के ये स्टेटमेंट देते हैं कि दुआ ज़हरा का केस ख़त्म हो चुका है। तो जब एक आईओ ऑफिसर जो है उसने इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय खुद ही ये डिसाइड कर लिया कि केस ख़त्म हो गया, तो फिर एक गरीब आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा इतने बड़े माफिया के खिलाफ? तो मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोगों की बहन बेटियाँ हैं, अगर मेहदी काजमी को इस तरह से डिग्रेड करके अगर आप बिठा देना चाहते हैं तो बेसिकली ये मेहदी काजमी तो बैठ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली ये पूरे पाकिस्तान की जो बच्चियाँ हैं उनकी शिकस्त होगी। और इस चीज़ को बेस बना लेना कि एक बच्ची जो है वो उसकी स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है जब वो है ही 16 साल से नीचे। हाँ, अगर मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, ये जो डॉक्टर साहब जिन्होंने मेडिकल किया है ये किसी भी लाइव प्रोग्राम में आके मुझे झूठा साबित कर दें तो मैं मान जाऊँगा कि बच्ची की एज सही है और बयान सही हुआ। शुक्रिया रमेश साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसमें वो जो पाँचवीं क्लास डॉक्टर, मैं उसको कहूँगा जिसने ये मेडिकल दिया है, कि ये पाँचवीं क्लास डॉक्टर ने, सिंगल डॉक्टर ने बैठ के एक मेडिकल दे दिया जो सस्पेंड हो गया, और उसके मेडिकल के बेस के ऊपर मैं मातमी कर सकता हूँ कि अदालत ने जो है ये फैसला कर दिया। और ज़्यादा बातें तो मैं इस पर नहीं करूँगा, लेकिन लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। और लेकिन अब इन्होंने एक माशरे पूरे को ख़राब करने का ठेका ले लिया और लोगों के सेंटीमेंट से खेल रही हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे रबता हुआ कि आप इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करते। तो मैंने इनके वकला को भी रिक्वेस्ट की कि इसमें ऐसा मामला कोई नहीं है, आप रिपोर्टिंग करें, मेरिट पे करें। तो लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया गया, लीगल नोटिस भी मैंने इनको भेजा, उसका भी मजाक उड़ाया गया। तो बेसिकली ये अब हम एक लीगल एक्शन इनके ख़िलाफ़ लेने जा रहे हैं, बल्कि ले चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको एक वीक में मिलेगा तमाम दोस्तों को। और कल जो है वो अपना लाहौर प्रेस क्लब के सामने एक प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, उसमें उस प्रोटेस्ट को मैं लीड कर रहा हूँ और दीगर लोग कर रहे हैं इसमें इंशाल्लाह। और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएंगी, और ये जो लोग समझते हैं उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि हक और सच के साथ कितने लोग हैं। और उस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ यही है कि हम मेहदी अली काजमी के साथ एक सिंपथी शो करना चाहते हैं, और उनको शो करना चाहते हैं कि आप हक और सच के लिए खड़े हैं और हम लोग आखिरी दम तक आपके साथ। जी नासरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिर्फ़ एक दुआ ज़ारा के लिए नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की हर बच्ची के मुस्तकबिल की बात है, अगर आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।